राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक आरजेडी का साथ छोड़ने वाले हैं। लालू यादव तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आपको हम बता दें कि बैक टू बैक उनको लोग जो है वो छोड़ते हुए देखे जा रहे हैं और आरजेडी जो है वो दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। आपको हम बता दें कि आरजेडी के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि प्रशांत किशोर के साथ जगह जुड़ चुके हैं, जनसुराज यात्रा में जाकर वो शामिल हो चुके हैं। आरजेडी ने उन्हें एक पत्र भी देकर उन्हें निष्कासित कर दिया अपने पार्टी से। लेकिन आपको बता दें श्याम रजक एक बड़ा चेहरा है, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और उनका इस प्रकार से बदलना कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। आपको हम बता दें कि पहले वो नीतीश कुमार के साथ थे और नीतीश कुमार के साथ रहते हुए वो 2020 में आरजेडी में शामिल हो गए, लेकिन आरजेडी में आने के बाद उनको अवसर नहीं मिला कि वो अपने आप को साबित कर पाए, जिस कारण से निराश होकर बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार से वो मिलने के लिए गए थे। नीतीश कुमार ने मंजूरी भी दे दी है और श्याम रजक 1 सितंबर को आरजेडी छोड़कर जदयू में शामिल हो सकते हैं। तब हम बता दें कि लगातार जिस प्रकार से मुकेश सहनी की बातें हो रही थी कि मुकेश सहनी भी अब आरजेडी के साथ छोड़ करके महागठबंधन के साथ छोड़कर एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, अब श्याम रजक की बात हो रही है और श्याम रजक के साथ और भी कई लोग हैं जो कि 1 सितंबर को आरजेडी का दामन छोड़ करके वो नीतीश कुमार के पास चले जाएंगे, यानी कि एनडीए के पास चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। देखना होगा विधानसभा चुनाव की तैयारी वो लोग किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजे सामने नहीं आए हैं, जिस कारण से कई ऐसे लोग हैं जो कि उनसे दरकिनार कर रहे हैं, चाहे वो मुकेश सहनी हो या फिर श्याम रजक हो। लगातार ये लोग जो हैं ये कटते हुए देखे जा रहे हैं और अब एनडीए का हिस्सा बनने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा, श्याम रजक ने अब तक इस पर पुष्टि नहीं की है, श्याम रजक अब तक खुद को कुछ नहीं बोल रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, लेकिन कटे कटे से हैं तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि श्याम रजक 1 सितंबर को आरजेडी का दामन छोड़ सकते हैं, नीतीश कुमार के साथ जाएंगे और एनडीए से विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे और एनडीए को विधानसभा चुनाव में अच्छे नतीजे तक पहुँचाने के लिए वो उनकी सहायता करेंगे। तो देखना होगा लालू यादव तेजस्वी यादव किस प्रकार से अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं, किस प्रकार से अपने पार्टी को टूटने से रोकते हैं, क्योंकि लगातार उनकी पार्टी में सेंध किया जा रहा है, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, नीतीश कुमार हो या फिर बीजेपी हो, लगातार उनके पार्टी के लोगों को, बड़े नेताओं को तोड़ने की कोशिश हो रही है और लगातार आरजेडी जो है वो कमजोर होती देखी जा रही है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो आरजेडी के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com।